नमस्कार, जरहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं हम 21 जनवरी 2020 दिन मंगलवार का पंचांग। यदि आप अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमेशा पंचांग को देखकर करना चाहिए। यदि आप आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने की सोचते हैं तो हमेशा अपने पंचांग को जरूर देख लेना चाहिए। पंचांग में शुभ मुहूर्त के अनुसार ही अपने सभी शुभ कार्य करना चाहिए। यदि आप रोजाना पंचांग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें और घंटी के बटन पर जरूर दबाएं। आज के दिन यदि आपको कोई गाड़ी लेनी हो, कोई वाहन लेना हो, कोई घर लेना हो, कोई घर का मुहूर्त करना हो या दुकान का मुहूर्त करना हो या कोई अन्य शुभ कार्य करने की यदि आप सोचते हैं तो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। आइए जान लेते हैं 21 जनवरी दिन मंगलवार के शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज सूर्योदय सुबह 6:53 पर, वहीं सूर्यास्त शाम 6:01 पर होगा। मास का महीना चल रहा है, मास माघ का चल रहा है, अयन उत्तरायण है, द्वादशी है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है जो कि रात को 2:06 पर शुरू होगी और 22 जनवरी रात के 1:45 तक रही। नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र है। करण कौलव करण जो कि 2:06 रात को शुरू हो रही है और 21 जनवरी दोपहर के 1:52 तक रहेगा। उसके बाद तैलिल करण लगेगा। योग ध्रुव योग है। ध्रुव योग सुबह 6:13 से शुरू हो जाएगा जो कि 22 जनवरी सुबह के 4:47 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं आज का अशुभ काल। अशुभ काल यानी राहु काल का समय। राहु काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप शुभ कार्य करना चाहते हैं तो हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ काल में ही करें। आइए जान लेते हैं आज का राहु काल का समय। राहु काल का जो समय है वह दोपहर 3:14 से शुरू हो जाएगा और जो कि शाम 4:37 तक रहेगा। इस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। आइए अब जान लेते हैं आज का अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ मुहूर्त। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वह दोपहर 12:05 से दोपहर के 12:49 तक रहेगा। इस दौरान आप अपने सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ये था 21 जनवरी 2020 का पंचांग। यदि आपको आज का पंचांग पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।